गया, क्यों चिल्ला रहे हो? सामान ही कुछ रहना, तुम्हें तो नहीं कुचल दिया? ये रोड है, तुम्हारी दुकान लगाने की जगह नहीं है। मेरी तो दिहाड़ी चली गई, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये कोई भी जगह को अपने बाप की जागीर समझ के कहीं भी दुकान लगा लेते। चलो हटो, जाओ यहाँ से। अनुषा, तुम कहाँ जा रही हो? अमीर जाति का दिमाग ठिकाने लगाने जा रही हूँ। छोड़ो, हटाओ। बाप की जागीर तो ये आपकी भी नहीं है, जो आप अपनी इतनी बड़ी गाड़ी दंदनाती हुई लेकर फिर रही है। और तुम अंधी हो, नजर नहीं आता तुम्हें? दिन की रोशनी में इतना सामान नजर नहीं आया? ब्रेक नहीं लगा सकती थी? टक्कर मारना जरूरी था? छोड़ो यार, चलें। ओह जस्ट शट अप। कौन हो? रिश्तेदार हो इसकी क्या? और तुम मुझे बताओगी कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं? वो कौन तुम भाई? मैं कौन हूँ ये मैं तुम्हें दो मिनट में बता सकती हूँ, लेकिन अभी मैं इसकी जरूरत नहीं समझती। जरूरत इसकी है कि तुम इन बाबा का नुकसान पूरा करो। बाबा जी, कितना नुकसान हो आपका बताएं बेगम साहिबा को? बेगम साहिबा पूरा करेंगे। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हम इसको क्यों पैसे देंगे? हमारे पास कोई हराम के पैसे थोड़ी है। जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज, अनुषा क्या कर रही है, तमाशा क्यों लगा रही है? चलो, हमारा मसला नहीं है, चलो। जब तक ये नुकसान पूरा नहीं करते तिहाल, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ। ओहो, मैं तो डर गई। ढोंस दिखा रही हो, कुछ लगती हो यहाँ की? इतनी हमदर्दी हो रही है ना, तो एक काम करो, जो नुकसान हुआ है ना उसके पैसे तुम दे दो। सिंपल। दे देती, जरूर दे देती, अगर मेरी गलती होती तो। लेकिन इस वक्त गलती तुम्हारी है तो तुम नुकसान भरोगी, समझ आई है? एक रुपया नहीं दूंगी इसको। दीदी जी रहने ले, आपकी इस बात में पड़ी है, जाने से नुकसान हो गया। नहीं बाबा जी, नुकसान तो आपका ये दोनों भरेंगे, अभी और इसी वक्त, वरना मैं पुलिस में फोन कर दूंगी और गवाही दूंगी कि इसने टक्कर मारी थी। और मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि बेगम साहिबा के पास लाइसेंस तो होगा नहीं, सीधा अंदर जाएंगी इंशाल्लाह, है ना? तुम्हें जो करना है ना शौक से करो, एक रुपया भी नहीं देंगे इसे हम, समझी? जब हमने कुछ नहीं किया ना तो हम डरेंगे भी नहीं तुम्हारी धमकियों से। ये तो बच्चों, अब तुमसे पुलिस पूछेगी कि तुमने क्या किया, जरा लाइसेंस दिखाना। हेलो, लाइसेंस दिखाओ। हाँ, नहीं है लाइसेंस, नहीं है हारिस। सीधा अंदर जाओगी और अपनी सारी सफाइयां पुलिस को देना। अच्छा, बताओ कि कितने पैसे देने हैं इसको? गुड बाबा जी, कितने पैसे हो गए? 2000 बेगम साहब, 2000। नहीं, आप इनको 2500 रुपए देंगे, 500 रुपए जुर्माना। और तुम आइंदा जमीन पे रहकर गाड़ी चलाना, अगर उड़ाने की कोशिश की ना तो मैं दोबारा से आ जाऊंगी, मेरी शक्ल याद कर लो। किसी भी गरीब का नुकसान करने से पहले 100 दफा सोच लेना।